एक गाना जो आपने ज़रूर सुना होगा, गाना तो पुराना है लेकिन हर वक्त में मौजूद रहा है, आ लौट के आजा मेरे मीत। बिहार की राजनीति में इसी तरह की बातें चल रही हैं और इन बातों का कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति और सरकार से गहरा संबंध है। इस नाता को जोड़ने में अब कांग्रेस भी आगे बढ़ गई है। आपने सुना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के बिहार की राजनीति में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये साफ नज़र भी आ रहा था कि किस तरह से दोनों एक दूसरे से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भरसक प्रयास कर रही है कि वो बिहार की सत्ता उसके हाथ से न निकले और बिहार की सत्ता में वो एन केन प्रकारे न चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े वो बनी रहे। आपने देखा कितनी कुर्बानियों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने एक MLC को कुर्बान कर दिया। बात बहुत बड़ी नहीं थी क्योंकि ऐसा तो कई नेताओं ने नीतीश कुमार पर हमला किया था, नीतीश कुमार को बहुत सारी बातें कही थी, नीतीश कुमार को तो उनके भी दल के लोगों ने भी बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन टुन्ना पांडे प्रकरण के बाद अब बातें और बढ़ गई हैं। अब जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा कि लालू प्रसाद भीतर ही भीतर प्लानिंग रच रहे हैं। मुकेश सहनी की बात अगर करें तो मुकेश सहनी ने अपनी बातों को बड़ा ही बारीकी से रखा है और सरकार के किसी भी क्रियाकलाप से वो बहुत ही संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। जो उन्हें जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी का भरपूर निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन उसी खेमे में जीतन राम मांझी भी हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को असहज करते रहे हैं, कुछ न कुछ बयान देते रहे हैं, जिन बयानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जदयू के संबंधों के बीच में तल्खियां भी रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी जीतन राम मांझी को नहीं छोड़ा है, जीतन राम मांझी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी समय समय पर चर्चाएँ और बातें आती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि जीतन राम मांझी हमारे NDA के में भले हैं लेकिन वो नीतीश कुमार और जदयू के अलायंस पार्टनर हैं। लेकिन खैर इन सब बातों के आगे अब बात बढ़ गई है। अब आपको बता दें एक बार फिर से नीतीश कुमार को महागठबंधन की कमान संभालने के लिए ऑफर मिल गया है। ये ऑफर आया है कांग्रेस के तरफ से। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, इनको आप जानते ही हैं, भागलपुर से विधायक हैं, दूसरी बार जीत करके आए हैं और कांग्रेस में अशोक चौधरी के बहुत करीबी माने जाते हैं, उस समय भी माने जाते थे और आज भी ये दोस्ती बहुत प्रगाढ़ है। कुछ समय तो ये भी कहा गया था कि इस बार का चुनाव जो है अजीत शर्मा जदयू से लड़ेंगे लेकिन उनकी आस्था कांग्रेस में है, कांग्रेस में वो मजबूत नेता हैं और अब तो उनको बड़ी जिम्मेवारी भी मिल गई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि सहनी और मांझी भी अपने गठबंधन से खुश नहीं हैं। हम आह्वान करते हैं नीतीश जी का कि वो महागठबंधन में आएँ, हमारी बात भी आलाकमान से हुई है, उन्होंने कहा है कि सब लोग मिलजुल कर महागठबंधन की सरकार बनाते हैं। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं मामला धीरे धीरे राजनीतिक बनता जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने BJP के अलावा सभी राजनीतिक दलों के विधायकों से अपील की है कि वे एकजुट होकर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाएं ताकि बिहार के विकास कार्य जो अवरुद्ध हो गए हैं, जो फिसड्डी राज्य घोषित हुआ हो रहा है बार बार, उसमें विराम लगे और विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार आए। अब यह मामला धीरे धीरे गहराता जा रहा है, बिहार के में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। इसको लेकर के सीधी तौर पे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी की बिहार पर पूरी नज़र है, ये भी बात अजीत शर्मा ने कही है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार को के साथ अनदेखी हो रही है, बिहार की मांगों को ठुकराया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, इसके बावजूद JDU के वरिष्ठ नेता जो कई बार ये बात कह चुके हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, इन सारी बातों को रखते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सभी को लेकर के आप महागठबंधन में आइए और एक बार फिर से महागठबंधन की कमान संभालिए। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल दिख रही है उसका एकमात्र कारण नीतीश कुमार पर BJP डालना चाहती है और दबाव देकर के ऐसा करवा भी रही है। BJP के दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के विकास को खुल करके नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि बिहार पिछड़ता जा रहा है। हालांकि JDU ने इन बातों से इनकार किया था। अब देखने वाली बात होगी कि अजीत शर्मा का ये बयान तब आया है जब लालू प्रसाद से दिल्ली में कई नेताओं की मुलाकात हुई है,
नीतीश कुमार भी असहज महसूस कर रहे हैं। और नीतीश कुमार का, जैसा कि आपको पता है, कि नीतीश कुमार के प्रवक्ता भी अब बहुत संयम से किसी पर हमला कर रहे हैं, जो भी बातें हो। लेकिन इतना तो जरूर है कि अजीत शर्मा ने एक तार जरूर छेड़ दिया है, और इस तार को कहीं ना कहीं आवाज़ इसकी नीतीश कुमार तक जरूर पहुंचेगी। अजीत शर्मा ने क्या कहा है, हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। देखिए, पिछले बार जब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, हम लोग गठबंधन के साथ थे, क्या बिहार का विकास हो रहा था। और जब से इस बार एनडीए की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, पूरा विकास अवरुद्ध हो गया है। स्वास्थ्य विभाग का देख लीजिए, पूरा कोरोना, इस महामारी में, इस जो कोरोना की बीमारी है, इसमें कोई हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, सदर हॉस्पिटल हो, कहीं भी कोई इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा था, कोई देखने वाला नहीं था। वेंटिलेटर है तो वेंटिलेटर का टेक्नीशियन नहीं है। पटना में पीएमसीएच में बच्चे वार्ड देखिए, वहां 4 वेंटिलेटर है, उसमें 3 खराब पड़े हैं। कोई व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। निश्चित तौर पर पहले माननीय नीतीश कुमार जी को बोला था सुशासन की सरकार, अपराध चरम सीमा पर है। लगता है कि बीजेपी के दबाव में कहीं कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री है। मैं तो चाहता हूं, जिस तरह से सहनी जी और मांझी साहब, ये दोनों बिल्कुल खुश नहीं है उस गठबंधन से, तो मैं तो आमंत्रित करता हूं, और मैं ऊपर भी हाईकमान से भी हमारी बात हुई है कि सब लोग आइए, मिलजुल के महागठबंधन की सरकार बनाते हैं और बिहार के विकास के एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। कोई नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है, जो विकास अवरुद्ध है पूरे बिहार में। कल कारखाने कहीं नहीं खुल रहे हैं, युवकों को रोजगार कैसे मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। महागठबंधन की सरकार बने, और मैं चाहता हूं सभी विधायकों से कि जनता को जवाब सबको देना है, आइए महागठबंधन की सरकार बनाते हैं और बिहार को कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का काम करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी भी आना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आए, क्योंकि वो बीजेपी के निश्चित दबाव में हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आए बिहार के विकास के लिए, क्योंकि बिहार की जनता हम लोग को देख रही है कि बिहार का विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार का विकास होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।